छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अधिकारियों सामाजिक संगठन के साथ मैराथन बैठक लेकर कोरोना वायरस से निपटने का प्लान किया तैयार। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। देश में भी इसकी संख्या 100 से पार हो चुकी है। इस वायरस से मरने वाली संख्या 3 हो गई है। इसी के चलते धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भी कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नवरात्रों में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बाहर से आने वाले श्रद्धालु का स्क्रीनिंग टेस्ट करना जरूर गुजरना पड़ेगा। वहीं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। इस बार माता रानी के दरबार में मीना बाजार नहीं लगाया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाने वाले सेवा पंडाल भी नहीं लगाए जाएंगे। दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु को छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रोककर मेडिकल टीम द्वारा चेक किया जाएगा। अभी चैत्र नवरात्रि में मेला 25 मार्च से वहाँ सम्पन्न होना था। हमने व्यापक स्तर पर जैसे हर वर्ष तैयारी होती है की है, परंतु कोरोना वायरस का जिस प्रकार संक्रमण हो रहा है, एहतियात के रूप में हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें मुख्यतया जो कार यात्राएं हैं और पैदल पद यात्री मार्ग हैं, हमने उसको सीमित अथवा बंद करने का निर्णय लिया है। यदि कोई पदयात्री आना चाहता है, उसके पास मास्क और पूरे संक्रमण से बचने के सारे उपाय हैं, तो वो आ सकता है। लेकिन जब वो मंदिर के पास जाएगा तो उसको एक बार एक संक्षिप्त जो है उसका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ही जो है ऊपर जा पाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेनें और जो भी टिकट काउंटर्स बनाए जाते हैं रेलवे विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके, उसको इस बार नहीं चलाने का जो है हमने निर्णय लिया है। इसके अलावा रोपवे और अन्य सुविधाएं भी जो है बंद रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि ग्रामीण लोगों को भी ये पता चले कि इस प्रकार डोंगरगढ़ में जो है इस प्रकार व्यवस्थाओं को जो है सुरक्षा की दृष्टि से सीमित किया गया है, ताकि आम पब्लिक को इसका परेशानी न हो। इसके लिए भी गाँव में भी सूचना करके कोशिश किया जाएगा। दूसरे स्टेट से दर्शनार्थी, दूसरे स्टेट से जो दर्शनार्थी आएंगे, खासकर उसमें ट्रेन मुख्य माध्यम है, तो नागपुर, गोंदिया, भंडारा और इधर रायपुर दुर्ग साइड से भी जो आएंगे वहाँ